भारत के कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के लिए 500 एकड़ जमीन दे दी है, लेकिन हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो 400 से भी ज़्यादा एकड़ में फैला है। वैसे तो भारत में जितने देवी देवता और मंदिर हैं उतने विश्व में कहीं और नहीं हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके बाद भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं है। ये मंदिर भारत में नहीं है, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि इस मंदिर में भगवान शिव नहीं बल्कि भगवान विष्णु विराजे हैं, और ये मंदिर है यशोधरापुर में। जी हाँ, यशोधरापुर पुराना नाम है। आज लोग इस जगह को अंकोर के नाम से जानते हैं और मंदिर को अंकोर वाट के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर कंबोडिया देश में है। ये मंदिर 402 एकड़ में फैला हुआ है। इस मंदिर को 12वीं सदी में खामेर वंश के सम्राट राजा सूर्यवर्मन ने बनवाया था। कहते हैं राजा सूर्यवर्मन की चाहत अमर होने की थी, इसलिए उन्होंने इतने बड़े हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को बनाया जिससे वो देवताओं के करीब जा सकें और किसी तरह अमरता का मंत्र पा सकें। ओंकारवाट के इस मंदिर के गर्भगृह में विष्णु भगवान विराजमान हैं, तो वहीं मंदिर की दीवारों और खंभों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र, रामायण का वर्म और हिंदू धर्म से जुड़े कई सारे चित्रों को खूबसूरती से उकेरा गया है। ज़्यादातर हिंदू मंदिर और तीर्थ के दरवाजे पूर्व दिशा में होते हैं, लेकिन इस मंदिर का दरवाज़ा पश्चिम दिशा में है। मंदिर के अद्भुत वास्तु और सौंदर्य और भव्यता के कारण यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। मंदिर की आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए चारों ओर से खाई बनाई गई है। 700 फीट गहरी खाई को झील का आकार दिया गया है और मंदिर के अंदर जाने के लिए एक लकड़ी का पुल बना है। इस मंदिर का दरवाजा 1000 फुट चौड़ा है, जिस पर पूरी रामायण तस्वीरों में अंकित है। मंदिर बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों से जुड़ा है। यहाँ पहले हिंदू देवी देवताओं के साथ मंदिर है, जिसे बाद में कंबोडिया में होने के चलते बौद्ध धर्म धार्मिक स्थल की तरह भी बना दिया गया, जिससे यहाँ दोनों ही धर्मों के लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस मंदिर पर दोनों ही धर्म के लोग आस्था और विश्वास रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए लाइव इंडिया ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।